सुविधाएं मिल सकती हैं घर बैठे, उसका उपयोग अधिकाधिक करें। दूसरी एक टेक्नोलॉजी से जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है वो ये है कि अगर आप मान लीजिए आप में कोई लक्षण आए, आपको खांसी हुई या बुखार हो रहा है या आपकी सांस फूल रही है, आपको संदेह हुआ कि कहीं कोविड तो नहीं और आपने अपनी जांच कराने की सोची, तो आपके पास दो विकल्प हैं। एक तो ये कि आप जो हमारी अधिकांश जो जांचें होती हैं, जो हम आपको बताते हैं रोज, अधिकांश जांचें निशुल्क होती हैं, तो एक तो ये कि आप पता करें कि कहाँ सरकारी सुविधा है जहाँ का हम जाकर हम अपनी जांच निशुल्क करा सकते हैं। उसके लिए आप एक हमारा ऐप है मेरा कोविड केंद्र, वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन पर डाउनलोड करिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि जहाँ भी आप रहते हैं आपके आसपास में कौन सा ऐसा केंद्र है जहाँ आप निशुल्क जांच करवा सकते हैं, वहाँ जाकर के अपना आप सैंपल दे सकते हैं, अपनी जांच करवा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है, घर बैठे आपको पता चल गया कि कहाँ पर जाकर मैं अपनी जांच करा सकता हूँ। दूसरा जो लाभ टेक्नोलॉजी से और दिया जा रहा है वो ये कि जब आपने जांच करवा ली तो जांच करवाने के पश्चात फिर आपको जांच की रिपोर्ट के लिए कहीं भी भागदौड़ नहीं करनी। जब जांच की रिपोर्ट तैयार होती है तो उसको भी हमारे पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, तो उसके लिए भी जो डीजी मेडिकल हेल्थ का वेबसाइट है DGMHUP, इसको आप अगर इस पर जाएंगे गूगल करेंगे तो आपको महानिदेशक स्वास्थ्य का वेबसाइट मिल जाएगा। जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें एक लिंक दिखाई पड़ती है लैब रिपोर्ट्स की जानकारी, उसको आप क्लिक करिए और उसके बाद अपना फोन नंबर, वो फोन नंबर मांगेगा आपका जिस फोन नंबर से आपने जांच करवाया होगा, जांच कराते समय जो आपने फोन नंबर दिया होगा वो फोन नंबर उसमें भरिए, आपको एक OTP आएगा, जो OTP नंबर आएगा उस नंबर को भर दीजिए, आपका रिजल्ट कि आपके कोविड की जांच में क्या हुआ है, आप पॉजिटिव पाए गए हैं कि निगेटिव पाए गए हैं, या आपको घर बैठे मालूम पड़ जाएगा, कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। इतनी अच्छी सुविधा जो है ये हमारे राज्य में ही दी जा रही है लोगों को। यहाँ की कोविड की सारी व्यवस्था सिटीजन सेंट्रिक और सिटीजन फ्रेंडली बनाई गई है, तो आप घर बैठे अपनी जांच की आख्या भी, जांच की रिपोर्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक सर्विलांस का सवाल है, अब तक 1,77,068 इलाकों में 4,93,650 टीम दिवस के माध्यम से 3,07,13,190 घरों का सर्विलांस अब तक हमारी टीमों के द्वारा किया जा चुका है, जिनमें रहने वालों की संख्या 14,95,65,296 है। इतने लोगों की जानकारी हमारी टीमों के द्वारा घर घर जाकर के प्राप्त की गई है, और जो लोग भी लक्षणात्मक मिले हैं उन लोगों के सैंपल्स कलेक्ट करवाए गए हैं, उनकी जांच करवाई गई है। आप जानते हैं कि इसमें कोरोना में श्रृंखला को तोड़ने के लिए, ये संक्रामक बीमारी है और संक्रामक बीमारी की श्रृंखला को तोड़ने के लिए जो लोग संक्रमित होते हैं उन्हें आइसोलेट किया जाता है, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति ही दूसरों को संक्रमण देता है, ये बीमारी किसी और प्रकार से नहीं फैलती। ऐसा नहीं है कि ये मलेरिया की तरह या डेंगू की तरह मच्छर के काटने से फैलती हो, ऐसा नहीं है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है, एक व्यक्ति के द्वारा जो संक्रमित होता है, जब वो छींकता है, खांसता है, जो उसके मुंह और नाक से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसी में विषाणु होते हैं, और वही जो है वही दूसरों को फिर संक्रमण देता है इन्हीं से। तो इसलिए जब हम छींके खांसे तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मुंह और नाक ढका हुआ है, हम अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें। अगर उस समय आपके मुंह और नाक, अगर मास्क नहीं लगा हुआ है उस समय, तो अपने हाथ को ऊपर कर लीजिए और इसमें छींकिए या खांसिए, ताकि जो भी विषाणु है यहाँ रह जाए, फिर इसको साफ कर लीजिए, नीचे न गिरे, सतहों पर न गिरे, इधर उधर न फैले, हवा में न फैले, इसलिए उसको वो हमको ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से जब
विषाणु जो है आपके हाथ से होकर के आपके शरीर में जाता है, किसी किसी ने किसी संक्रमित व्यक्ति ने छींका खासा, किसी सतह पर विषाणु गिरे, विषाणु रुके हुए हैं वहां पड़े हुए हैं, आपने उस सतह को छुआ, आपके हाथ पर संक्रमण आ गया, विषाणु आ गए, फिर आपके हाथ से आपके मुंह नाक आंख के रास्ते आपके शरीर में गए। तो अपने हाथ को अगर आप साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिएगा तो जो हाथ पर कहीं से अगर गलती से विषाणु लग भी गए तो वो विषाणु समाप्त हो जाएंगे, फिर आप संक्रमित नहीं होंगे। इसी प्रकार से आप अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए जब भी आप बाहर निकलते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं, और लोगों से दो गज की दूरी बनाइए। लोगों से दो गज की दूरी रखेंगे तो जो उनके बोलने से या छींकने खांसने से कुछ विषाणु निकलेंगे वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो मुंह और नाक को ढकिए और मास्क से ढकिए, गमछे से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, तो और लोगों से दूरी बनाइए, तो आपके संक्रमित होने की संभावना नहीं के बराबर रह जाएगी। तो जब जो व्यक्ति संक्रमित है जब दूसरे किसी को संक्रमित नहीं कर पाता और दूसरे लोग सावधानी से अपने को संक्रमित होने से बचा लेते हैं तो संक्रमण की श्रृंखला वहीं पर टूटती है, और संक्रमण की श्रृंखला टूटने से ही संक्रमण का नियंत्रण होता है। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार अभी तक दिखाया है और सावधान रह करके आप संक्रमण को नियंत्रित रख रहे हैं, इसे हमें आगे भी अभी शीतकाल में जाड़े के दौरान अगले 2 महीने तक हमें इस प्रकार के व्यवहार को जारी रखना है, संक्रमण को निचले स्तर पर रखना है। आपकी जानकारी में है कि कुछ जगह कुछ देशों में विदेश में कोई एक नया भी कोरोना वायरस का स्ट्रेन मिला है जो बहुत तेजी से फैल रहा है, और इसके लिए भी जो भी व्यवस्थाएं होनी है ताकि अपने देश में वो ना आने पाए, अपने देश में उसको अगर किसी में आता है तो तत्काल नियंत्रित कर लिया जाए, इसके लिए तमाम कार्रवाई निरंतर की जा रही है। जो लोग अभी यूनाइटेड किंगडम से अभी लौट कर आए हैं हाल में, उनसे ये अनुरोध है कि आप अपनी जांच अवश्य करा लीजिए और अपने आप को कम से कम 10 दिन जो है अपने घर में क्वारंटाइन में रहिए। अगर आप संक्रमित नहीं भी हैं तो भी क्वारंटाइन में रहिए, बाहर मत निकलिए, ताकि जो नई स्ट्रेन आई है उसके फैलने का कोई भी खतरा न रहे। और जो लोग अन्य यूरोपीय देशों से आए हैं अगर उनको कोई लक्षण आ रहा हो तो आप भी अपनी जांच करा लीजिए। जो यूके से आए हैं यूनाइटेड किंगडम से, उनके लिए जांच कराना अनिवार्य है। जो लोग भी 9 दिसंबर के बाद से आए हैं उनके लिए जांच कराना अनिवार्य है, आपको जांच करवाना है। और जो लोग अन्य देशों से आए हैं यूरोप के, वो अगर लक्षण आते हैं तो अपनी जांच करवा लीजिए। इस तरह से सावधान रह करके, सतर्क रह के, एक दूसरे की मदद करके हम अपने प्रदेश में संक्रमण को हम नियंत्रित रख सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए, गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखिए, जो लोग पहले से बीमार या कमजोर हैं उनका ध्यान रखिए, और छोटे बच्चों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, चिंता मुक्त रहिए, प्रसन्न रहिए।